भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आज अखिलेश यादव भावुक हो गए। अखिलेश ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर जो बसते हैं दिल में लोगों के, वो जाकर भी कहीं ना जाते हैं, लिखकर पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैफई में सपाइयों का एक बड़ा हुजूम उमड़ा रहा। वहीं बाराबंकी में भी सपाइयों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का बाराबंकी से गहरा नाता रहा है। स्वर्गीय बेनी बाबू के घर आना जाना रहा हो या फिर सपा नेता श्यामलाल यादव के उनके संबंध, स्वर्गीय मुलायम सिंह की सादगी का कोई सानी नहीं था। पहलवान मुलायम सिंह को भोजन का बड़ा शौक था, जिसके चलते आज उनका एक किस्सा भी सामने आया। हालांकि दुर्भाग्य यह रहा कि उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और जिनके घर उन्होंने रोटी खाने की बात कही थी, वह पहले ही स्वर्ग सिधार गए। बात हो रही है सपा नेता ज्ञान सिंह यादव के मरहूम पिता स्वर्गीय श्याम लाल यादव जी की। आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में ज्ञान सिंह यादव ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नेताजी की कमी बहुत खल रही है। हालांकि किस्से कहानी की बात पर उन्होंने यह जरूर कहा कि नेताजी ने उनके पिता स्वर्गीय श्याम लाल यादव से उनके घर पर रोटी खाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पूर्ण न हो सकी, जिसका मलाल नेताजी को भी बहुत ज्यादा खालीपन है। उस महान शक्ति का ना होना हम लोग एहसास कर रहे हैं, परंतु उनके जो महान विचार हैं, जो उनके संघर्ष की जो गाथाएं हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे जीवन को बढ़ा रहे हैं और समाज की सेवा का संकल्प कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शोषितों, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों, जरूरतमंदों की लड़ाई लड़ी, उसी तरह अनवरत हम लोग भी रात दिन एक करके समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का संकल्प कर रहे हैं। विशेष तौर से ऐसे वर्गों की जिनकी कोई नहीं पूछता था, जैसे दलितों का मान थे नेताजी, पिछड़ों का सम्मान थे नेताजी, कमजोरों की आवाज़ थे नेताजी, जो लोग बिल्कुल नीचे के तबके के थे उनके लिए शान थे नेताजी। तो ऐसे सभी वर्गों को लेके हम लोग चलने का काम करेंगे। आपके परिवार से बड़ा पुराना संबंध रहा जी, बाबूजी के वहाँ आप तो बड़ा मानदान था जी, कोई ऐसा किस्सा जो आज भी याद आता हो आपके पिताजी का और नेताजी का साथ में? नेताजी जब भी पिताजी के साथ बैठते थे तो कहते थे, श्यामलाल जी मैं आपके घर रोटी खाने आऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि मेरे पिताजी का जब देहावसान हो गया तो नेताजी जब मेरे घर पे आए थे शोक प्रकट करने के लिए, तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरे परिजन और वहाँ जो भी लोग एकत्र थे, उन्होंने उनसे कहा भी था कि आज श्यामलाल जी चले गए हैं, उनसे हमारा एक वादा हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो ऐसे बहुत से किस्से और बातें हैं जो उन दोनों लोगों के बीच थी। आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का भी सहयोग रहता था, साथ रहता था, तो वो सब महापुरुष लोग थे, अब हमारे बीच नहीं है, उनकी बातें हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। सपा नेता ज्ञान सिंह यादव ने महागठबंधन को लेकर भी चर्चा की। अखिलेश यादव को लेकर उनका मानना है कि नेताजी के बाद सिर्फ अखिलेश ही ऐसे हैं जिनमें न सिर्फ नेताजी की छवि है, बल्कि उन्होंने भी समाज के शोषित और वंचित लोगों के उत्थान का बीड़ा उठाया है। अखिलेश जी के रूप में हम लोग नेताजी को पूज रहे हैं और अखिलेश जी नेताजी ही हैं हमारे लिए। अब वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के और हमारे देश की शान हैं। हम लोग उनके पीछे हैं और हम लोग उनकी आवाज़ बनके उनके साथ रहेंगे सदा सदा के लिए। अखिलेश जी जनता के बीच में रहकर जनता के लिए जनता की आवाज़ बने हैं, हर सुख में हर दुख में सबके बीच में रहते हैं। स्पेशली आप समझ लीजिए जो सरकार द्वारा जो भी जो ध्यान न देना और भेदभाव करना, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन हर जगहों पे जाते हैं और उन सब के दुख में शामिल रहते हैं, कष्टों में शामिल रहते हैं, उनकी आवाज़ बन जाते हैं, हर माध्यम से उनकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के बीच हैं, वो एक महानायक हैं आदरणीय अखिलेश। वहीं देवरिया मामले को लेकर ज्ञान सिंह यादव ने कहा कि इस मामले को यादव बनाम ब्राह्मण बनाना बहुत गलत बात है। दोनों परिवारों के साथ घटनाएं हुई हैं, उनकी संवेदनाएं दोनों परिवार के साथ हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी मृत्यु होना हम सभी के लिए बड़ा खेद होता है। कोई किसी का परिजन है, कोई किसी का प्रियजन है, हम सब लोग समाजवादी हैं और हम सारा समाज एक नज़र से देखते हैं। हम सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दोनों परिवार को हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और ये सामाजिक सद्भाव हमारे प्रदेश में बना रहे। कुछ ताकतें हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहती, पर हमेशा प्रेम की जीत होती है और उम्मीद है भाईचारा बना रहेगा। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं।